जय श्री राम। सभी को आपके अपने चैनल आंजने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम जी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती है और जैसे कि प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है, तो इस दिन भी भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, मंत्रों का जाप किया जाता है और भगवान विष्णु के साथ ही एकादशी माता की भी पूजा आराधना की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन आपको किस प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि आज किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और अगर आप किसी भी कारणवश इस व्रत को नहीं कर पाते हैं तो बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना करें तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, मतलब उत्पन्ना एकादशी व्रत से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता लगता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। और अब जानते हैं कि एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर और समाप्त हो रही है 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, देखिए शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि जब सूर्योदय समाप्त होती है उसी दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो सूर्योदय काल के समय एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 8 दिसंबर 2023 को यानी कि शुक्रवार के दिन। अब कई भक्त हैं जो कि 9 दिसंबर को भी व्रत धारण करेंगे, हालांकि 9 दिसंबर को सूर्योदय काल के बाद एकादशी तिथि नहीं रहेगी, सूर्योदय काल से आधे घंटे पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, लेकिन पंचांग भेद होने की वजह से कई स्थानों पर 8 दिसंबर को यह व्रत किया जाएगा। तो कई स्थानों पर 9 दिसंबर को यानी शनिवार के दिन भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप दोनों में से किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। तो अगर आप 8 दिसंबर को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो 7 दिसंबर को यानी कि वीरवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रही है 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर और समाप्त होगी 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर। अगर आप 8 दिसंबर को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से 3:20 तक। इसी समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिवासर रहता है, जैसे कि आप सब जानते हैं द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद का 4-5 घंटे जो समय होता है वो हरिवासर का समय होता है और हरिवासर में किसी भी प्रकार की एकादशी व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, इसे पाप करने के समान माना गया है। और इसी प्रकार अगर हम व्रत खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है, उल्टे दोष लग जाता है। इसलिए अगर आप 8 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से 3:20 के बीच में अपना व्रत खोल लीजिए। बात करें कि अगर आप 9 दिसंबर को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से सुबह 7:13 तक 10 मिनट तक के समय में यह व्रत रहेगा, जिससे समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से पारण के शुभ मुहूर्त का यानी व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। और कई भक्त हैं जो कि एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि एकादशी या कोई और भी व्रत जो
तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो भक्त व्रत शुरू करना चाहते हैं उत्पन्ना एकादशी से आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं दशमी तिथि के दिन बिल्कुल सुंदर सात्विक भोजन आपको लेना है। लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी चीज़ों का सेवन दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। गाजर मूली बैंगन टमाटर ये सभी चीज़ें भी आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आपको नमक का और भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब आप अगर आप रात में कुछ खाना चाहे तो फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। अगर संभव हो तो भूमि पर आसन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी से लेकर द्वादशी तक फिर एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और फिर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। आप चाहें तो अगर सुविधा हो तो अपने घर के आसपास गंगा नदी या फिर कोई भी पवित्र नदी हो तो वहाँ पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो घर में गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान कर लीजिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु को आज के दिन पीले पुष्प पीले वस्त्र और पीले फलों का भोग लगाएं। विशेषकर केला आदि भोग में ज़रूर लगाएं। विधि विधान से उनकी पूजा करें। फलाहार और जलाहार रहकर आप यह व्रत कर सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दसवीं से लेकर द्वादशी तक के यह नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्रत करने वाले को ज़रूर करना चाहिए, तभी हमें इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें भी आज विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप बिना व्रत किए भी नियमों का पालन करते हैं तब भी आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगी। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद। जय श्री राम।